आपके फैशन भैया दिख रहे हैं काफी सेक्सी, क्योंकि आज है शादी स्पेशल। अगर आपको शादी में जाकर लड़कियों को दिखाना है कि ये देखो मैं हूं इस शादी का सेक्सीएस्ट बंदा, तो इस रणवीर अलावादिया के वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं सिखाऊंगा शादी फैशन सीक्रेट्स ऑफ 2019 एंड 2020। अलग अलग आउटफिट ऑप्शंस, अलग अलग बजट ऑप्शंस, अलग अलग कलर ऑप्शंस, अलग अलग सेक्सीनेस ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, द बेसिक कुर्ता। कुर्ते होते हैं इंडिया के सबसे अंडररेटेड फैशन ऑप्शन। किसी भी बंदी को पूछ लो यार कि आपको कुर्ते अच्छे दिखते हैं, वो बंदी कहेगी कुर्ते बहुत अच्छे दिखते हैं। उसी मेंटालिटी को ध्यान में रखकर मैं आपको कुर्ते की गाइडलाइंस दूंगा। देखो दोस्तों, दो प्रकार के कुर्ते होते हैं। एक प्रकार का कुर्ता होता है प्लेन एंड सिंपल कुर्ता, एक आप दिवाली के लिए पहन सकते हो, ये आप स्कूल कॉलेज फंक्शंस के लिए पहन सकते हो। नेक्स्ट लेवल ऑफ फैंसीनेस इज कुर्ता विद थोड़ी सी डिजाइन। ये देखो, यहाँ इस पोर्शन में होती है डिजाइन कुर्ते की। और तीसरे प्रकार का कुर्ता होता है झटाक कुर्ता। इसलिए मैंने कहा ओनली 2 टाइप्स ऑफ कुर्तास, क्योंकि आपको इस तीसरे प्रकार का कुर्ता नहीं पहनना चाहिए इवन एट शादीज। अगर आपको ये चाहिए कि यार इस सिंपल कुर्ते को मुझे थोड़ा और फैंसी बनाना है, आप 2 प्रकार से बना सकते हो। पहला तरीका कुर्ते को ज्यादा सेक्सी बनाने के लिए है सिलेक्ट अ वेरी फैंसी मटेरियल। आप सिल्क के कुर्ते बना सकते हो, जिससे आपको मिलेगी एक रिच शाइनी सी थोड़ी सी ग्लॉसी सी लुक, या आप कुर्ते के ऊपर एक नेहरू जैकेट लगा सकते हो। और इसी नेहरू जैकेट और कुर्ते की कॉम्बिनेशन होती है एक्सेप्टेड इन वेडिंग्स। अगर आपको कम खर्चना है ना अपनी वेडिंग आउटफिट पर, तो कुर्ते की शॉपिंग के लिए जाइए, एक वर्सेटाइल कुर्ता ले लीजिए, जैसे कि वाइट, क्रीम, येलो, येलोइश, रेड, मरून। ये है मेरे गो टू कुर्ता कलर्स, जो काफ़ी वर्सेटाइल है, जो शादी कलर्स माने जाते हैं, जो सेलिब्रेटरी कलर्स माने जाते हैं। और एक और चीज़, आप इनको ना अलग अलग नेहरू जैकेट्स के साथ मैच करके अलग अलग लुक्स क्रिएट कर सकते हो। एक अच्छे क्वालिटी के कुर्ते का कॉस्ट होगा कुछ 2,000 या 3,000 रुपए के बीच, अच्छे क्वालिटी का। इससे कम क्वालिटी के भी कुर्ते आते हैं। अगर आप बेसिक बाजार में शॉपिंग के लिए गए, आप 500-600 रुपए के भी कुर्ते खरीद सकते हो। पर अगर आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है, थोड़ी सी रिच लुक चाहिए ना, आपको थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक नेहरू जैकेट अच्छे क्वालिटी का भी आता है कुछ 1,000 या 2,000 रुपए के लिए। तो पूरी लुक आप 5,000 रुपए के अंदर बना सकते हो, ठीक है? दैट इज द मोस्ट बेसिक शादी आउटफिट। आप स्टैंड आउट भी करोगे, आप क्लासी भी दिखोगे। उसके साथ एक लेदर स्ट्रैप वॉच पहन लीजिए, और नीचे वेरी क्रूशियली इस प्रकार की चप्पल पहनो। इस प्रकार की चप्पल को हम कहते हैं कोल्हापुरी। ये देखो, यहाँ मैंने एक गोल्डन कुर्ता पहना है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा रेड मरून टाइप नेहरू जैकेट पहना है, और नीचे ज़बरदस्त कोल्हापुरी पहने हैं। कोल्हापुरी मेनली 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है टैन कलर यानी कि येलोइश कलर का, एक आता है डार्क ब्राउन कलर का। तो डिपेंडिंग ऑन दी ओवरऑल शेड ऑफ योर आउटफिट, अगर आपकी आउटफिट भी थोड़ी सी डार्क है, आपको पहनना चाहिए डार्क ब्राउन कोल्हापुरीस। थोड़ी सी लाइट आउटफिट है, आप पहन सकते हो टैन कोल्हापुरीस। और अगर आपकी आउटफिट थोड़ी सी ब्लैक टोन्ड है, फिर कोल्हापुरीस मत पहनिए। आप इंडियन फॉर्मल शूज या वेस्टर्न फॉर्मल शूज भी पहन सकते हो, जैसे कि इस तरह के कुर्ते में। देखो, ये ब्लैक कुर्ता नहीं है, पर डिजाइन ब्लैक है, और नीचे मैंने पहने हैं ब्लैक इंडियन फॉर्मल शूज फॉर दैट सेक्सी मिस्टीरियस बॉय लुक। ये हो गई बजट फ्रेंडली कुर्ते की लुक। पर अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, आई वुड पर्सनली सजेस्ट एक कुर्ता स्टिच कीजिए, क्योंकि अगर आप टेलर के पास जाके स्टिच करेंगे ना एक अच्छा सा कुर्ता, वो आपके बॉडी के फिट के अकॉर्डिंग होगा, और आप दिखोगे बहुत ही शक्तिशाली, बिल्कुल जॉन सीना एट अ वेडिंग की तरह। ओके, अगर हम कुर्ते की बात कर रहे हैं, हमें बात करनी है शेरवानीज के बारे में। शेरवानी क्या होता है? देखो दोस्तों, ये है एक सूट, एक जैकेट की तरह है। इसके अंदर भी मैंने कुछ पहना है, पर इसके ऊपर मैंने पहना है सूट। दुनिया को क्या दिखता है? सूट, जैकेट। उसी तरह इंडियन सूट को हम कहते हैं शेरवानी। ये एक कुर्ता और सूट का क्रॉस होता है। तो कुर्ते की तरह कट होती है, पर आप सूट की तरह डालते हैं। इसके अंदर आप पहनते हो एक पतला सा कुर्ता, जिसकी वजह से आपको पसीना ना आए। उसके नीचे आप पहनोगे वही कुर्ते से बनाया हुआ चूड़ीदार, या जिन वही कुर्ते के मटेरियल से बनाया हुआ चूड़ीदार। आप कुर्ते और चूड़ीदार को मैच करोगे, और ऊपर आप पहनोगे शेरवानी।
शेरवानी यूजुअली आई सजेस्ट आपको ब्लैक लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक होता है वर्सेटाइल कलर जो आप सालों तक पहन सकते हो। शेरवानीज की बात आई ना, तो आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि शेरवानी स्टाइल्स यूजुअली बदलते रहते हैं। हर 2-3 साल शेरवानी की स्टाइल बदल जाती है। और वेडिंग्स में ना लोग स्टाइल देखते हैं, लोग देखते हैं कि यार आर दिस पीपल फॉलोइंग द लेटेस्ट फैशन, वो वाली वाइब होती है वेडिंग्स पर। तो मेरे अकॉर्डिंग हर बंदे के पास एक ब्लैक शेरवानी होना चाहिए, पर शेरवानी का डाउनसाइड है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एक शेरवानी सिलवाने के लिए आपको मिनिमम 7,000 या 8,000 रुपए लगेंगे, बट आई फील इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो आप 26-27 ईयर्स के हैं और आपके आसपास के सारे दोस्तों की शादी हो रही है और आप जा रहे हो शादी के लिए, सोच रहे हो कि यार मेरी शादी कब होगी, बट उसके साथ साथ स्टाइलिश भी दिख रहे हो। सो माई सजेशन टू यू इज़ एक ब्लैक शेरवानी तो बना ही लो, उसके साथ साथ अगर आपको और दूसरे कलर दूसरे कट्स की शेरवानी बनानी है, एक अच्छे टेलर के पास जाओ, उनसे पूछो कि यार व्हाट काइंड ऑफ कट्स आर इन शेरवानीज, और फिर डिपेंडिंग ऑन अगर आपकी नाइट फंक्शन है या मॉर्निंग फंक्शन, अगर नाइट फंक्शन है आप नेवी ब्लू या ग्रे शेरवानी से ला सकते हो बिल्कुल ऐसे, और अगर डे टाइम फंक्शन है, दिन में फंक्शन है, तो आई सजेस्ट गोल्ड, सिल्वर, वाइट, क्रीम, पिंक या लाइट ब्लू। इन कलर्स में से आपको एक कलर सिलेक्ट करना चाहिए या इसका एक वेरिएंट, बट दीज आर योर जनरल ऑप्शंस माय ब्रदर। आई प्रॉमिस यू शेरवानी से ज्यादा सेक्सी, ज्यादा रिच लुकिंग कोई भी आउटफिट नहीं है। ये सूट, ये 3-पीस सूट जो काफी रिच लुकिंग आउटफिट है, ये भी शेरवानी को टक्कर नहीं दे सकता। तो अगर आपके शादी में ही, आपके फैमिली में ही शादी हो रही है, अगर आप दुल्हन के भाई हो या दूल्हे के भाई हो या दुल्हन के पिता हो, थैंक यू अंकल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो आपको शेरवानी सिलवानी चाहिए। शूज़ आप कौन से पहनोगे? फिर से मोजड़ी स्टाइल शूज़, यानी कि इंडियन फॉर्मल शूज़ या वेस्टर्न फॉर्मल शूज़, बिल्कुल ऐसे। पर वेस्टर्न फॉर्मल वो बोरिंग लेसेस वाले शूज़ मत पहनिए यार, आई सजेस्ट आपको मंक स्ट्रैप पहनने चाहिए या आपको लेदर वाले लोफर पहनने चाहिए, और बूम 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 सारे लड़कियों के दिलों को जीतना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, इसे हम कहते हैं जोधपुरीज। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस जोधपुरीज के रूल भी शेरवानी के रूल से मैच होते हैं। जोधपुरी क्या होता है, जिस प्रकार शेरवानी एक लंबा कोट होता है उसी प्रकार जोधपुरी एक शॉर्टर कोट होता है। आप जोधपुरी और शेरवानी के यूजुअली स्लीव्स रोल नहीं कर सकते हो ऊपर, पर शाहिद कपूर की ये फोटो देख लीजिए, इन्होंने पहना है एक रोल अप जोधपुरी। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी गुड स्टाइल टू फॉलो, इनसे सीखो। अगर आपको वो थोड़ी सी बॉयश लुक देनी है, यानी कि थोड़ी सी यंग लुक चाहिए ना, तो शेरवानी के बदले आप जोधपुरी सिलेक्ट कर सकते हो। एक और चीज़, ये होती है एक रॉयल राजस्थानी प्रिंस टाइप लुक, तो अगर आप कोई भी जोधपुरी या शेरवानी की तरह कोई रॉयल आउटफिट पहन रहे हो ना, आपको आइडियली वैक्स लगाना चाहिए अपने बालों में, वो थोड़ी रॉयल लुक आपकी और ज़्यादा कर देता है। ओके, रिमेंबर दैट, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ वेडिंग ड्रेसिंग। एक और चीज़, जोधपुरी की बात आई तो द नेक्स्ट ऑप्शन बहुत सिंपल है, एसिमेट्रिक जोधपुरी / एसिमेट्रिक कुर्तास। देखो, कुर्ते यूजुअली फ्लैट होते हैं नीचे, पर आजकल ना एसिमेट्री का ज़माना चल रहा है, यानी कि जो कुर्ते का बॉटम होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, डायगनल बॉटम होता है, तो ये भी स्टाइल बहुत चल रही है आजकल। आप चूज़ कर सकते हैं एसिमेट्रिक जोधपुरी बिल्कुल ऐसे या एसिमेट्रिक कुर्ता। देखो, मैंने ऐसे यहाँ पहना है, जापान में शूट की थी, बहुत मज़ा आया था। जापानीज़ लोग भी मेरे पास आकर कहे वेरी वेल ड्रेस्ड। जोधपुरी और एसिमेट्रिक कुर्ते दोनों होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव कम्पेयर टू नॉर्मल कुर्ताज, बट लेसर देन शेरवानीज। तो अगर आपने 8,000 शेरवानी पर खर्चा किया है, आपने मान लो 3,000 कुर्ते पर खर्चा किया है, तो अराउंड 5,000 आपको जोधपुरीज और एसिमेट्रिक कुर्ते पर खर्च करने पड़ेंगे। आई ऑलवेज सजेस्ट, अगर आपके फैमिली में शादी है या अगर कोई इंपॉर्टेंट इंसान की शादी है, जैसे कि आपके यार की शादी, अगर आपके यार की शादी है, तो प्लीज़ टेलर पर खर्चा कीजिए। ओके, फाइनल रूल विद जोधपुरीज एंड एसिमेट्रिक कुर्ताज, प्लीज़ ओनली डार्क कलर्स, और ये आप केवल नाइट टाइम के लिए पहन सकते हो। ओके, अगर आप डे टाइम में जोधपुरी पहन रहे हो, अब मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी बोल्ड चॉइस है, जोधपुरी एक वेरी नाइट टाइम आउटफिट होती है, और कलर्स भी ना इसमें नाइट टाइम कलर्स ही अच्छे दिखते हैं। ब्राइट कलर वाले जोधपुरी ना थोड़े से झटाक दिखते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स नॉट माई स्टाइल, बट अगर आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है करो, मैं क्या बोलूं। और फाइनली मैं आपको दो सूटेड लुक्स की ऑप्शंस दूंगा।
पहली सूटेड लुक है ये। इस प्रकार के सूट को कहते हैं 3-पीस। तो ये है जैकेट, ये है पैंट, और इसके अंदर तीसरा पीस है ये वेस्ट कोट। ठीक है, अब ये सिलवाने के लिए थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा। 3-पीस का मिनिमम कॉस्ट, अगर आप एकदम बजट शॉप में भी गए हो ना, तो 3-पीस का मिनिमम कॉस्ट होता है कुछ 8,000 या 9,000 रुपये, एंड इट कैन गो अप टू 50,000-60,000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो खुद के लिए। तो मेरी सजेशंस है ये, पहले तो शादी में आइडियली आपको ब्लैक, नेवी ब्लू या सम शेड ऑफ ग्रे सेलेक्ट करना चाहिए खुद के सूट के लिए। और आई बात 3-पीस की, तो 3-पीस में ना इंडिया में आपको टाई नहीं पहननी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी विथ अ 3-पीस। अगर आपने अंदर वेस्ट कोट नहीं पहना तो फिर आप टाई पहन सकते हो, पर वो नेक्स्ट लुक है। अभी इस लुक के बारे में बात करेंगे। ये देखो कितनी क्लासी लुक है ये यार, सूट है ठीक है, अंदर एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न शर्ट है, और यहाँ मैंने डाला है एक पॉकेट स्क्वायर। अभी एक और चीज़ याद रखिए कि प्लेन वाइट पॉकेट स्क्वायर कर देता है पूरे आउटफिट को थोड़ा सा फॉर्मल, पर इस प्रकार का पैटर्न पॉकेट स्क्वायर यही लुक में पूरी आउटफिट को कर देता है थोड़ा सा कैजुअल। तो जो वाइब आपको दिखानी है ना दुनिया को, वो वाइब आप डिसाइड करेंगे खुद के पॉकेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग। सूट सिलवाने के लिए कुछ 8,000 या 9,000 रुपये तो लगेंगे, उसके बाद शर्ट के लिए एक और 2,000 रुपये, और पॉकेट स्क्वायर के लिए और 300 या 400 रुपये आपको खर्चना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप सूट पहन रहे हो तो शूज़ भी आपके अच्छे होने चाहिए। मैं कहते रहता हूँ कि हर बंदे के पास एक ब्लैक फॉर्मल शू और एक डार्क ब्राउन फॉर्मल शू होना ही चाहिए। एंड दोज़ आर माय सजेशंस अबाउट 3-पीस। पर फाइनल लुक के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास 3-पीस सूट नहीं है, नो प्रॉब्लम, इंडिया है, इंडिया में लोग ज़्यादातर 3-पीस नहीं पहनते हैं, लोग 2-पीस सूट्स पहनते हैं। अभी आप शादी में ना केवल एक 2-पीस नहीं पहन सकते हो, आपको थोड़ा और ग्लैमराइज करना है खुद के लुक को। तो आप कैसे ग्लैमराइज करोगे? सिंपल ब्रो, आप एक टाई लगाओगे खुद पर। टाई आप कैसे सिलेक्ट करोगे? बहुत सारे बंदे ना शादी में ऑरेंज टाई पहन लेते हैं, ब्राइट रेड टाई पहन लेते हैं, वैसे भी टाई मत पहनो, थोड़े से म्यूटेड कलर्स पहनने चाहिए। अगर आपको रेड पहनना है थोड़ा सा म्यूटेड रेड यानी कि मरून, अगर ऑरेंज पहनना है ऑरेंज मत पहनो, ब्राउन पहनो, ब्लैक पहनो। ब्लैक टाई कोई भी आउटफिट को एलिवेट कर देता है, कोई भी आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू मी जस्ट बी क्रिएटिव। द रूल विद टाइज, एक्चुअली वो एक अलग वीडियो है, वो मैं लिंक कर दूंगा बाद में, पर अभी के लिए एक चीज़ याद रखें, टाई को पकड़ने के लिए एक टाई बार चाहिए आपको। टाई बार कस के बांध दो अपने टाई और अपने शर्ट पर, एंड ओवरऑल कलर मैचिंग अच्छे से करो। अगर आपको कलर मैचिंग के बारे में और सीखना है, हमने बनाया ना हमारा बहुत ही अर्ली एक फैशन वीडियो कलर मैचिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ हमने बनाई है एक फैशन प्लेलिस्ट हमारे भाइयों के लिए, तो वो देखिए, सेक्सी दिखिए हमेशा। एंड ऑफकोर्स जो शादी में आप जा रहे हो ना, वहाँ के सबसे सेक्सी बंदे का टाइटल जीत कर आइए।